हेलो क्लास फोर्थ, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सोशल स्टडीज एंड वी आर हैविंग अ न्यू चैप्टर. ओपन इट नाउ. एज यू कैन सी दिस इज योर सोशल स्टडीज बुक एज यू नो वेरी वेल एंड ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू. एज यू कैन सी योर चैप्टर नंबर 13 इज ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है कि जो ह्यूमन की एबिलिटी होती है टू वर्क ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज पे उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है. एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स है हमारी कंट्री का, क्योंकि हमारी जो भी डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन जो हमारी कंट्री कर रही है वो किसके बिहाफ पे कर रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बिहाफ पे. लाइक हमारे फार्मर्स प्लांट करते हैं, सीड्स को क्रॉप बनाते हैं और हमें उसके के बाद ही फूड मिलता है ना. तो जैसे हमारे साइंटिस्ट वर्क करते हैं अपनी क्वालिटी को, जो सीड्स की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए या उसकी जो क्रॉप्स हैं उसको बेटर करने के लिए, तो एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में, ताकि उस कच्चे माल को यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज किया जा सकता है. ठीक है. क्योंकि हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको क्या होना चाहिए, उसके लिए वाइज होना चाहिए, हेल्दी एंड एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड. बिकॉज नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अगर वो नहीं करेगी तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ावा मिल ही नहीं सकेगा. बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडिया है उसने बहुत ही ग्रेट प्रोग्रेस की जा चुकी है उनके द्वारा हर फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन में. तो इस तरीके से बहुत इम्प्रूवमेंट हमारे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी आ चुकी हैं और सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें प्रोवाइड करवाया है, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. और उनका क्या मेन एम है कि सभी लोग हैप्पीली रह सकें एंड कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हमारे नेशन की हो सके. और किन में हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले हमारा वर्क होना चाहिए इलिटरेसी, क्योंकि इलिटरेसी है अनपढ़ हिंदी में बोलते हैं जिसे, क्योंकि कुछ लोगों के किसी की मदर स्टार्टिंग से अनपढ़ है तो वो अपने बच्चे को एजुकेट नहीं कर सकती है. लाइक हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, पावर्टी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो लोग अंधेरे में हैं वो हमेशा अंधेरे में ही रह जाते हैं और उनको बिल्कुल भी कोई भी केयर नहीं करता उन लोगों की. और वो बिलीव करते हैं दैट मोर देन द चिल्ड्रन दे हैव, और वो ज़्यादा जैसे बच्चे होंगे तो उनके लिए ब्रेड अर्नर्स यानी उनकी कमाई ज़्यादा होगी, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है. तो ये क्या करते हैं कि अगर मान लो हमारे 2 चिल्ड्रन से अगर 3 होंगे तो एक की कमाई हमारी ज़्यादा आएगी. तो इनकी ये जो है अनपढ़ वाली जो बातें हैं इनके माइंड में जो सेट हो रखी, हमें इसे हटाना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं इलिटरेसी को ख़त्म कर पाएंगे. और जो पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होती है बेटा, गरीबीपन, और उस गरीबीपन को भी हम रिमूव कर सकेंगे. एंड पॉपुलेशन क्या है, हमारी इंडिया जो है 7th कंट्री है लार्जेस्ट हमारे एरिया के अकॉर्डिंगली, और 2nd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में, कि हमारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 36 करोड़ हो चुकी है और दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है. तो आगे आने वाले टाइम में इट विल बी वेरी मतलब डेंजरस हो या हैजार्ड वाला सीन हो जाएगा हमारे लिए. हमारे कहीं फूड की प्रॉब्लम आने वाली है, हाउस, वाटर, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, अब हमारे लिए एक धमकी बन के रह गया है नेचुरल रिसोर्सेज को, कि हम इनका सामना आगे आने वाले टाइम में कैसे कर पाएंगे. एंड नेक्स्ट वन इज़ पॉवर्टी. पॉवर्टी जैसे स्लैम एरिया हमारे सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जहाँ पर लैक ऑफ मनी की बहुत कमी रहती है, लोग अपने आप को ही नहीं खिला सकते प्रॉपरली, तो वो बच्चे को कैसे खिलाएंगे. और वो पूरा पूरा दिन अपने काम को करते रहते हैं ताकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, और उनको भी पूरा करना उनके लिए कैसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बच्चों को घर पर छोड़ देते हैं अपना घर संभालने के लिए, या उनके बड़े भाई बहनों को छोड़ देते हैं घर पर कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं काम पर जा रही हूं. तो ये दिस इज नॉट द राइट वे ना, कि हम अपने बच्चे का पालन पोषण इस तरीके से करेंगे. नो. तो उसके लिए हमारा क्या रिसोर्स बनाया गया, जो डेवलपमेंट कर दे हमारे ह्यूमन का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाया, जिसमें बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए जो क्या करेंगे हमारे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को करेंगे. लाइक फर्स्ट वन है हमारा एजुकेशन इज द बेसिक टूल है, ताकि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सके. एंड सो इट वुड बी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे भी और एडल्ट भी सभी इसमें ही शामिल होते हैं. ठीक है. सेकेंड इज हमारे जो पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द फैमिली जो प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, कि हमारे इतने से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी हम अपनी पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करने में
सही रहेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वन इज हमारे एफर्ट्स होने चाहिए ताकि प्रोवाइड करवा सके हम सूटेबल एम्प्लॉयमेंट विलेजेस को, ताकि उनमें क्या हो सके, उनको ओवर क्राउडेड होने से उनको बचाया जा सके, ताकि मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं हमारे सिटीज़ में, टाउन्स में, सबको और हर गाँव के हर एरिया तक पहुँचाई जा सके, ठीक है, ताकि हमारे ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी हो सके और स्ट्रांग हो सके, ठीक है। And now we have just completed the lesson and as you can see on your screen new words हैं आपके पास, 4 new words are there on your screen, you have to write them in your notebooks and learn them, okay? And here is your exercise work which you have to complete A, B, C in your books and this also question number D that you have to complete in your notebooks and books, fine?